Hello everyone, in last class we have discussed about the biodegradable and non-biodegradable waste and food chain and food web. Today we are going to discuss about the depletion of ozone layer, that is O3. Ozone layer जो है वो 15 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 60 किलोमीटर तक की रेंज में हमें मिलती है. मीन्स एटमोस्फेयर से ये 15 किलोमीटर पे स्टार्ट हो जाती है और 60 किलोमीटर तक में ये मिलती है. अप्रोक्सीमेट 25 के आसपास इसकी जो लेयर है वो काफी डेंस रहती है, जो क्या काम कर रही है, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है. यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है. यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, जो किससे निकलती है, वो सन से हमें मिलती है. ये सन से निकलने वाली हार्मफुल रेज है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि अर्थ सरफेस पे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ये ओजोन जो है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ओजोन क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये कहता है कि ये रेडिएशंस जो हैं ये हमारे अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच सकती, और जब ये अर्थ सरफेस पे नहीं आएगी तो इससे होने वाली डिजीज कौन सी है, स्किन कैंसर. सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज यही है जो कि पेपर में पूछी जाती है कि इससे होने वाले डिजीज का नाम, जो कि यूवी रेडिएशन से होती है, तो स्किन कैंसर है. तो वो स्किन कैंसर जो है वो इससे होगा. तो उसको प्रिवेंट कौन कर लेगा, O3. O3 अगर प्रिवेंट कर लेगा तो यूवी रेज अर्थ सरफेस पे नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो स्किन कैंसर भी नहीं होगा. इसके अलावा एक और इफेक्ट है कैटारैक्ट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मोतियाबिंद. ठीक है, इसमें कैटारैक्ट की भी प्रॉब्लम आती है, स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम आती है. ये दोनों प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रही है, यूवी रेज से. इसको अब्सॉर्ब किसने किया, O3 ने, ओजोन ने. क्लियर. अब नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं हम कि कैसे ये फॉर्म होती है. फॉर्म होने के लिए जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन जो है वो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, O+O. ये ऑक्सीजन एटम बन जाते हैं. ऑक्सीजन के क्या बन गए, ऑक्सीजन के एटम. ये किसकी हेल्प से, यूवी की हेल्प से, यूवी रेडिएशंस की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो सिंगल ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाता है. और ये जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो इस ओ के साथ अटैच होकर के क्या बना देती है, O3. O3 का एक मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम नाम क्या देते हैं, ओजोन. तो ये इससे ओजोन की फॉर्मेशन हो जाती है. देन व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्लीशन, डिप्लीशन का कॉज क्या है. डिप्लीशन का कॉज है इसमें सबसे पहला है CFC. CFC की फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन. बहुत पहले से आप इस चीज की स्टडी करते आ रहे हैं, 9th में भी नेचुरल रिसोर्स के अंदर ये हमने पढ़ा था कि CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा बोलते हैं एरोसोल को, एरोसोल प्रोपेलेंट, ये सब के सब ओजोन की डिप्लीशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल. और इसके इफेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एक तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्किन कैंसर इसके इफेक्ट्स हैं, और कैटारैक्ट. अगर एनवायरमेंट की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल है. फोटोसिंथेसिस में भी क्या आ जाती है, डिक्लाइन फेज आ जाता है, किसकी वजह से, इस यूवी रेज की वजह से. ठीक है, और म्यूटेशंस यानी कि प्लांट्स के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस जो कि प्लांट के लिए वर्थफुल नहीं होते, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन. तो ये म्यूटेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी यूवी रेज. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए कौन है, ओजोन लेयर. ये था ओजोन लेयर के बारे में. मैनेजिंग द गार्बेज को मैनेज करना, मतलब जितना भी वेस्ट है, कूड़ा करकट है, सबको वेस्ट को मैनेज करना. तो इसके लिए हमारे पास 6 मेथड्स हैं कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं. सबसे पहले है ओपन डंपिंग, जो काम का नहीं है लेकिन है बुक में तो मैंने करवा दिया. लैंड फिलिंग, कम्पोस्टिंग, इंसिनरेशन, रिसाइकिलिंग एंड रीयूज. अब देखिए एक ही करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सबसे पहले हम बात करें ओपन डंपिंग की. ओपन डंपिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमने सारा का सारा वेस्ट जो है वो बाहर फेंक दिया, डायरेक्टली ओपनली डंप कर दिया. तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे प्रॉब्लम आएगी पोल्यूशन की.
इसीलिए बेस्ट मेथड नहीं बोला मैंने आपको कि अच्छा मेथड नहीं है गार्बेज को मैनेज करने का। आपने देखा होगा हमारे सिटी के अंदर भी इसी तरीके से जैसे लोग अपना वेस्ट जो है वो एक जगह पे ढेर लगा देते हैं, हीप बना देते हैं, तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान है पोल्यूशन। दूसरा इसका मेथड है वो है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मेथड है, लैंड मींस जो हमारी जमीन, फिलिंग मींस उसको फिल करना, लेकिन फिल के लिए करेंगे किस चीज से फिल करेंगे? वो गार्बेज से फिल करेंगे। जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, हम एक ऐसे एरिया को चूज करते हैं जहां पर काफी डीप स्पेस हमें मिल जाए। बुलडोजर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, काफी सारा जो मटेरियल है उसको उसी एरिया के अंदर फिल कर दिया जाता है, ऊपर उसकी मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी डालने के बाद उस पर कोई भी किसी तरीके का हम गार्डन, पार्क वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, और जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, लैंड के नीचे फिल हो जाएगा। तो ये लैंड फिलिंग मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है क्योंकि ओपनली डंप तो नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा। लेकिन हाँ, जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर आप उसमें ऐड करोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी उससे कम होती जाएगी, मींस प्लास्टिक वगैरह अगर आप ऐड करते हो तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। ये आपने वर्ड सुना होगा कंपोस्ट प्रिपरेशन, कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं मेन्योर। तो ये जितना भी वेस्ट होगा ये सारा का सारा कैसा वेस्ट होगा, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज करेंगे कंपोस्टिंग के अंदर, कंपोस्ट मैन्योर इससे बनाएंगे। जितने भी पील्स हम लोग यूज कर रहे हैं, किचन वेस्ट यूज कर रहे हैं, उन वेस्ट को हमने एक खड्डे के अंदर दबा देना है। दबाने के बाद उसमें मिट्टी और थोड़ा सा वाटर, 1 to 2 months के आसपास अगर आप जब उसको देखोगे तो सारा का सारा वेस्ट जो है वो कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा, और उस कंपोस्ट को हम यूज कर सकते हैं फॉर द एज अ न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में हम कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं, ऐसे तो वो वेस्ट है लेकिन अगर हम देखें तो उससे हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंसिनरेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, फॉर जैसे एग्जांपल है हॉस्पिटल वेस्ट या जितना भी सर्जिकल वेस्ट। ऐसा क्यों, हॉस्पिटल वेस्ट, सर्जिकल वेस्ट सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह रहते हैं, उन सबको एकदम बिल्कुल साफ करने के लिए, क्योंकि क्या होगा इससे कॉन्टामिनेशन होगा, और कॉन्टामिनेशन होगा तो क्या फैलने के चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया पैथोजन स्प्रेड होने के चांसेस हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्टामिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो भी वेस्ट है उसको 1000 डिग्री पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। 1000 डिग्री पे जब हम बर्न करते हैं तो सारा का सारा वेस्ट क्या हो जाता है, सारा का सारा वेस्ट खत्म हो जाता है, और जो ऐश हमें मिलती है उस ऐश को हम यूज किसमें कर सकते हैं, उस ऐश को हम यूज कर सकते हैं जितना भी, जैसे मान लो कि हम कोई भी बैंडेज वगैरह हो गई या कोई ऑर्गन हो गया कट होने के बाद, तो उसको कॉटन हो गई, तो उसको हम क्या करेंगे, जलाने के बाद उसकी ऐश बनेगी, उसको हम एज अ मैन्योर की तरह या एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह उसको जमीन के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा वेस्ट क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि जो हम यूज कर रहे हैं सब बायोडिग्रेडेबल है। अब उसमें बैक्टीरिया वायरस सब इतने हाई टेम्परेचर में क्या हो चुके हैं, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, किल हो चुके हैं, तो उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, लेकिन इसको ओपनली नहीं करते, इसको हम एक बंद मतलब मशीन के अंदर करते हैं, डायरेक्ट इसको आग नहीं लगाएंगे, मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग सबको पता ही है कि एक ही चीज की बार बार क्या करते रहना, रिसाइकल करते रहना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक प्लास्टिक की चेयर टूट जाती है, टूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं किसी भी जो बाहर रद्दी जो कबाड़ उठाते हैं उन लोगों को दे देते हैं, और सब इकट्ठा होकर के सारा का सारा प्लास्टिक या जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा रिसाइकल होने के लिए चला जाता है इंडस्ट्रीज में। उन सबको वापस से क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने के बाद उससे फिर से रिमोल्ड कर दी जाती है, क्या बना देते हैं, चेयर बना दी जाती है, या कोई आपने टेबल देखी हो वो बना देते हैं। इसका मतलब हमने सारा का सारा वो क्या कर दिया, दोबारा से रिसाइकल कर दिया। तो उसमें क्या है, इसमें फायदा ये होगा कि आपका जो मटेरियल है वही अगेन एंड अगेन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट इसके बाद है अपना नेक्स्ट मेथड रीयूज। रीयूज इज
आपको पता ही होगा रीयूज का मीनिंग क्या है, कि दोबारा से उसको इसी चीज को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को लेके आते हैं, तो उसमें हम कोल्ड ड्रिंक को यूज करने के बाद लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर फिल करके कहीं फ्रिज वगैरह में हम लोग रख सकते हैं। तो उसका फायदा क्या हुआ कि उसको हमने उसी बॉटल को फिर से क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रीयूज। इससे फायदा क्या होगा, एनर्जी को, एनर्जी हमारी बचेगी, ठीक है, मनी हमारी बचेगी। तो रीयूज के ये फायदे हैं। तो ये था आपके सारे के सारे मैनेज करने के मेथड्स गार्बेज को, जो मैंने 6 मेथड्स करवाए। इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म हो गया, अवर एनवायरमेंट। तो हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।